हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे कि ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैं हूं सुमित गौतम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जो ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड, और चौथा जो सब्जेक्ट है वो है जीके या करंट अफेयर्स। दोनों में कंबाइंड होकर क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार अपीयर हो रहे हैं ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें वो डिस्कस करते हैं। पहला, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सिंगल पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिसमें कि पास्ट 10 ईयर्स और 12 ईयर्स के पेपर्स दिए होते हैं, वो प्रीवियस ईयर आँख बंद करके आप उठा लें, और उसके जितने क्वेश्चन हैं उसको आप एक बार नहीं 5 बार उसको सॉल्व कर डालें। उसको जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको ईजियर रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पर, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से, तो ऑलरेडी वो सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि 4-5 या मे बी 7-8 क्वेश्चन हो सकते हैं वो डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ जाएं। उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का दूसरा ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को उस सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। दूसरा, अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है 2018 के बाद से ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में, पहले एग्जाम थोड़ा बहुत ईजियर होता था लेकिन अब थोड़ा जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आपको लीगल जो पोर्शन उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसमें जो रिसेंट जजमेंट्स हैं, जो पिछले एक साल के पास जजमेंट्स हैं, वो आप लाइव लॉ से या कोई भी स्टडी IQ चैनल से वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो जो जजमेंट्स हैं उसको आप लिख लें, उसको अच्छे से याद कर लें किस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था, ये पढ़ लें और ईयर याद रख लें। तो ये क्वेश्चंस हैं जो लीगल से आ सकते हैं, और जो हमारा जो आपका बेसिक जो सब्जेक्ट है।